तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो अबू धाबी टी10 लीग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के दिन का मतलब आज के दिन का दूसरा मैच, वैसे भाई टीम मतलब मैच नंबर 4 जो खेला जाएगा टीम अबू धाबी वर्सेज नॉर्दर्न वॉरियर्स के बीच में, तो भाई इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देख लेना, ठीक है। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तो भाई आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन भाई अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देख रहे हो तो भाई वीडियो को बेशक से चाहे आप स्किप कर रहे हो तो इस मैच को भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई आपका इन्वेस्टमेंट करने का। डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो 20 नवंबर 7:30 बजे यानी कि आज रात को 7:30 पर यह मैच खेला जाएगा। वेन्यू भाई सेम रहने वाला है, सारे मैचेज यहीं पर खेले जाएंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी का मैदान रहने वाला है। यहां पर पेसर्स को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। भाई कल वाले मैच में आपने देखा भी होगा जब मर्चेंट डिलांगे ने 5 विकेट यहां पर निकाली थी, मैंने क्लियरली बोला था भाई पेसर्स को हेल्प मिलेगी और फिर भी भाई लोग उसे ड्रॉप करके गए। तो आप अब देख लो आप मतलब वीडियो कंप्लीट नहीं देखने का आपको क्या नुकसान हो रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो आप देख सकते हो 80-100 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है वो है भाई हमारा टेलीग्राम चैनल। जिसने भी भाई अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो भाई काफी ज्यादा पीछे लाइफ में, और भाई वो पीछे ही रह जाएगा फैंटेसी फील्ड में अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं आता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, जाइए भाई जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो फाइनल टीम है, फाइनल अपडेट, टॉस की प्रेडिक्शन, प्लेइंग 11, प्लेयर्स के कुछ नए प्लेयर्स के रिकॉर्ड सब कुछ आपको टेलीग्राम पर बताने वाला हूं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर बात करें बाय चांस मान लो लिंक वर्क ना करे तो आप सर्च कर सकते हो @KPMFantasyExpert। अब बात करते हैं भाई टीम अबू धाबी की जो लास्ट का मैच रहा है उसकी प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की। फिलिप साल्ट भाई 7 रन पर आउट हो गए थे, रन आउट हुए थे हालांकि पर आउट हो गए थे, ठीक है। पॉल स्टिरलिंग की बात करें तो 23 बॉल में भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी मतलब 59 रन की यानी कि 59 रन की पारी खेली, काफ़ी गजब की। साथ ही लियाम लिविंगस्टन जो हमारा कैप्टन था 14 रन बनाए प्लस 1 विकेट निकाला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्रिस गेल ने 49 रन बनाए, ठीक है। और क्रिस गेल का भाई आप ये मान लो कि इस मैच में चल गया तो ये नहीं कि हर मैच में ही चलेगा, क्योंकि अब उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। बट टी10 में आपको पता है बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट की जाती है, तो इसीलिए भाई मतलब इनके मतलब जो मिस हिट है वो आराम से छक्के अब हो रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें जिमी ओवरटन की तो आप देख सकते हो 1 विकेट इन्होंने भी निकाला। कोलिन इनग्राम भाई बैटिंग इतनी आई 1 ही रन बना पाए। मर्चेंट डिलांगे जो कल के मैच के ट्रंप प्लेयर थे भाई यहाँ पर इसने देखो खुद आप देख सकते हो 5 विकेट निकाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कोटरल बहुत महंगा साबित हुए, नवीन उलख ने 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और आप देख सकते हो कितनी मतलब गजब की बॉलिंग की। और कोटरल ने 1 ओवर में शायद 18 या 19 रन दिए थे। डैनी ब्रिग्स ने 1 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट निकाला। मर्चेंट डिलांगे का तो आप देख ही रहे हो 2 ओवर में 5 विकेट बंदा निकाल गया। इसके अलावा फारूद मोहम्मद की बात करें तो इनकी बैटिंग बॉलिंग आई नहीं यहाँ पर भाई। कुछ ऐसे प्लेयर्स हर बार मिलेंगे आपको, हर मैच में मिलेंगे जिनकी बैटिंग बॉलिंग आएगी नहीं, क्योंकि ओवर्स बहुत कम होते हैं और सभी को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर भाई मैं आपको एक डेमो टीम देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों अगर मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख सकते हो मतलब आप लोगों के कितने मैसेज आ रहे हैं, मतलब लगातार हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। आप भाई का मैसेज पढ़ सकते हो जो भी मतलब इन्होंने मेरे पास टेलीग्राम पर यह भेजा था, फिर मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया। तो ये आप देख सकते हो मतलब लगातार हमारे मैचेस जैकपॉट पे जैकपॉट जा रहे हैं। आप ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा आप हमारे रिजल्ट भी देख पाओगे। ये कुछ हमारे रिजल्ट है जो आज के मतलब वुमेन्स बिग बैश लीग में आए, साथ ही टी10 में आए, तो ये कुछ भाई हमारे रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर मतलब बंगला टाइगर्स के लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की। केनार लेविस भाई 2 ही रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला। आप इसे स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों जगह कैप्टन वाइस कैप्टन इजिली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि भाई जब ये मारेगा ना तो सच में बहुत मतलब बहुत ज्यादा बुरा मारेगा गेंदबाजों को। तो काफी खतरनाक ये प्लेयर है और भाई अभी सीपीएल में काफी अच्छा किया, उसके बाद 100 बॉल टूर्नामेंट में उसमें भी काफी अच्छा किया। मोइन अली भाई जो हमारे वॉइस कैप्टन थे और यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब दूसरे मैच में भाई कैप्टन ही था, ये भी आप देख सकते हो 35 रन बनाए। स्मिथ पटेल भी मतलब 15 रन बनाए और 1 विकेट भी निकाला। रोमन पॉल की बात करें तो 38 रन इन्होंने बनाए, 2 रन रोज वाइटली ने बनाए। क्रिस जॉर्डन 2 ओवर में 1 विकेट निकाला। उमर अली ने भाई 1 ओवर डाला विकेटलेस रहे। अभिमन्यु मिथुन ने यहाँ पर 1 विकेट निकाला। जोशुआ लिटिल ने 1 विकेट निकाला। 1 विकेट इमरान ताहिर ने निकाला और अब्दुल शकूर भाई इनकी बैटिंग बॉलिंग आई नहीं। तो मैं बता रहा ना आपको हर मतलब
हर टीम में हर मैच में एक ना एक प्लेयर आपको ऐसा जरूर मिलेगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं भाई जो मतलब टीम यहाँ पर होने वाली है, तो ऐसे फिलिप साल्ट आपकी टीम में होनी चाहिए विकेट कीपिंग सेक्शन में, क्रिस गेल को आप ट्राई कर सकते हो, पोलो स्टर्लिंग को ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा रोमन पोलो आपकी टीम में होनी चाहिए और केनार लेविस, ठीक है। आप अगर चाहो तो गेल को ड्रॉप भी करके चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास बाकी सारे ऑप्शन है। जैसे जैसे आप यहाँ से ओवरटाउन की ट्राई कर लो, स्मिथ पटेल को, लिविंगस्टोन को और मोइन अली को, चारों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। यहाँ से मर्चेंट डिलांगे को आप ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा भाई नीचे की साइड चलोगे तो आप अभिमन्यु मिथुन को अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ से नवीन उलग आपकी टीम में होनी चाहिए, इसके अलावा भाई डैनी ब्रिग्स को आप ट्राई कर रहे हो या फिर आप इमरान ताहिर को ट्राई कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप चाहो तो आप मतलब यहाँ से अभिमन्यु मिथुन, डैनी ब्रिग्स, शेल्टन कोटरेल, जोशुआ लिटिल किसी को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी भाई मेरे हिसाब से जोशुआ लिटिल और नवीन उलग में से किसी एक के साथ आपको जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। मैं भाई अभी के लिए चलो थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ जोशुआ लिटिल के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन यहाँ पर भाई नवीन उलग है। तो ये भाई मेरी फाइनल टीम होने वाली है। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो देखो मेरा कैप्टन होने वाला है लिविंगस्टोन और वॉइस सॉरी कैप्टन होने वाला है मोइन अली, क्योंकि ये ओपनिंग में आया था और लिविंगस्टोन भाई वन डाउन आ रहा था अपनी टीम में, तो वॉइस कैप्टन भाई मेरा लिविंगस्टोन होने वाला है। तो भाई एक बार मैं आपको फाइनल टीम का प्रिव्यू दे देता हूँ, तो ये भाई हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। अगर इसमें कुछ चेंजमेंट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन करके रख लेना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।